ये क्वेश्चन गेट 2018 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग आफ्टरनून सेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये सब जितना भी क्वेश्चन लिए हम सोशल साइड से लिए हुए थे, इसमें हो सके कुछ थोड़ा बहुत हो सके लिखने में या उसको जो भी याद हो थोड़ा बहुत गलती भी हो सकता है, फिर भी ये उस पर शेयर किया होता है उसको ले लिए। इसको देखो, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं इसको इसका आंसर क्या होगा। इफ द बार इज लोकेटेड विद द टॉर्शनल लोड ऑफ 150 न्यूटन मीटर एज शोन इन द शोन, फाइंड द टॉर्शनल रिएक्शन एट पी एंड क्यू। देखो इसमें क्या होता है, ये 100 mm और ये भी था इसमें। तो देखो ये पी और क्यू साहब कोई मतलब ये कोई बार है, इसमें क्या दोनों साइड से फिक्स्ड है। उसके बाद क्या करता है, इसके कुछ डिस्टेंस 100 मीटर पे ये पॉइंट, इसको कुछ मान लेते हैं अपन, इस पॉइंट को सपोज ए मान लिए। ये डिस्टेंस पे क्या करता है, वो टॉर्क लगाता है 150 न्यूटन मीटर का। तो वो फाइंड कर मतलब वो अपने को फाइंड करने बोल रहा है कि पी और क्यू पॉइंट पे कितना टॉर्क मतलब टॉर्शनल रिएक्शन होगा, इस पॉइंट पे कितना टॉर्क लगेगा, इस पॉइंट पे कितना लगेगा, उसी को अपने को इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं और इसका आंसर क्या होगा वो देखते हैं। अगर हो सके थोड़ा भी आपको इसमें अगर टॉर्शनल टॉर्शन ऑफ शाफ्ट में क्या था, कंपाउंडिंग ऑफ शाफ्ट मतलब शाफ्ट सीरीज और पैरेलल थोड़ा सा भी अगर याद है तो आपको इसको बहुत इजी सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये दोनों साइड से फिक्स्ड है ये बीच में, तो ये किस में किस टाइप का हो गया, ये पैरेलल टाइप का हो गया। किस टाइप का हो गया इतना समझ लीजिए, पैरेलल पैरेलल, तो ये पैरेलल है, पैरेलल मतलब ये कनेक्शन है शाफ्ट का बार का। देखो उसके बाद पैरेलल में अपना कंडीशन क्या क्या था, पहला कंडीशन क्या था कि इसमें एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होगा, डिफरेंट होगा सारे पॉइंट जितना भी होगा। उसके बाद क्या था, इसका टॉर्क जो होगा जितना भी पॉइंट होगा उनका सम होगा। ये दो पॉइंट इसमें अपने को याद रखना था, फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट हो गया। तो देखो इसी ये दोनों पॉइंट याद रखना, इसी इसी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब देखो पहला हम सेकेंड वाला अप्लाई करते हैं, सेकेंड अप्लाई क्या करना है, देखो क्या है पी टी पी, पी पॉइंट पे टॉर्क जो लगेगा उसको टी पी ले लेते हैं, प्लस टी क्यू इक्वल टू 150। इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं क्योंकि ये पैरेलल से ये सेकेंड वाले से, तो ये इक्वेशन नहीं ये भी ये दो था, ये आपका नहीं मेन अपना सोल्यूशन यहाँ से होगा टी वन टी पी। इसको क्या कर लेते हैं, उसके बाद टॉर्शन इक्वेशन हो उसके आपको शायद टाउ अपॉन आर टी अपॉन जे जी थीटा अपॉन एल, ये टॉर्शन इक्वेशन है, ये याद रहेगा तभी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, वरना इस टाइप का प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर सकते। उसके बाद देखो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा, अब देखो दोनों पॉइंट पे लेंगे पी और थीटा, पी इक्वल टू टी एल अपॉन जी जे, पी पॉइंट पे हो गया। उसके बाद क्यू पॉइंट पे देख लेते हैं, थीटा एट क्यू पॉइंट, क्यू पॉइंट भी सेम हो जाएगा टी एल अपॉन जी थ्री जी जे, ये क्यू पे बस इतना याद रखना। उसके बाद देखो क्या था, इस पैरेलल कनेक्शन होगा तो क्या होगा, दोनों इक्वल हो जाएगा थीटा पी इक्वल टू थीटा क्यू। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था ये वाला। तो इसमें देखो टी टी एल जी जे पी के लिए था ये, उसके बाद टी एल जी जे क्यू के लिए। उसके बाद देखो शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिक पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मटेरियल है तो पूरे का क्या होगा सेम हो जाएगा। तो अपना क्या क्या बच गया, टी पी एल पी इक्वल टू टी क्यू एल क्यू। तो उसके बाद देख लो यहाँ से टी पी अपॉन टी क्यू इक्वल टू एल क्यू अपॉन एल पी। यहाँ पे देख लो अगर टॉर्क क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन लेंथ होता है। अगर ये जिसको याद होगा तो वो इतना स्टेप हो यहीं से
इतना स्टेप बचा के वो सॉल्व कर लिया होगा, तो देख लो तो वैल्यू पुट कर लेते हैं एल क्यू। अब वो जो पॉइंट वाइज जिस जगह से वहाँ से डिस्टेंस कितना था 200 mm मीटर में, इसको कर लेते हैं 0.1, तो ये हो गया 2/1। तो टी पी इक्वल टू 2 TQ। उसके बाद देखो इसमें क्या सॉल्व करना था, ये रिलेशन फाइंड हो गया अपना। उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट में अपना क्या था, टी पी प्लस टी क्यू इक्वल टू 150, ये अपन निकाले थे। वैल्यू पुट कर दो, टी पी इक्वल टू 2 TQ प्लस टी क्यू इक्वल टू 150। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से 3 TQ, तो टी क्यू का वैल्यू आ जाएगा आपका 50। और टी क्यू को जब 1 में रखेंगे फिर आप इक्वेशन फर्स्ट टी क्यू तो टी पी प्लस 50 इक्वल टू 150, तो ये टी पी हो जाएगा आपका 100 न्यूटन मीटर, टॉर्क है न्यूटन मीटर। तो ये जो प्रॉब्लम था इसका आपका आंसर हो जाएगा, टी पी और टी क्यू का पूछ रहा था, तो 150 ये हो जाएगा इसका, इसका ऑप्शन ये होगा, तो इसका ऑप्शन 100 न्यूटन मीटर और 50 न्यूटन मीटर हो जाएगा, टी पी का 100 और टी क्यू का 50। तो ये हो गया इसका, इसी तरह सोल्यूशन होगा, इसका आंसर ये होगा अकॉर्डिंग टू जो मतलब स्टूडेंट सब शेयर किया था उसके हिसाब से इसका आंसर यही होगा, अगर रियल में ये प्रॉब्लम हुआ तो। इस वीडियो में इतना ही।